वेलकम बैक टू माई चैनल शेरू डायरीज में। आज की रेसिपी जो है वो काफ़ी ईजी एंड क्विक रेसिपी है। शेरू डायरीज में हमेशा ही ईजी एंड क्विक रेसिपी ही होती है, क्योंकि हमको ज़्यादा बहुत ताम झाम करके कुछ कुक करने का और डिफ़िकल्टीज बढ़ाने में कोई मज़ा नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट ईजी रेसिपी बनाते हैं सो दैट आप लोग भी उसको फॉलो कर सकें और आप लोग भी उसका मज़ा ले सकें। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, बस इतने मिनिमम इंग्रेडिएंट्स में ही हम आज की जो करी है वो बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ के जी मैकरल, जिसको बांगड़ा फिश बोलते हैं। ये स्पेशली जहाँ पे सी होता है वहीं पे मिलती है, क्योंकि इसको सैलाइन वाटर में मिलने वाली ये फिश है, सो सी फिश बोल सकते हैं इसको। और उसके अलावा बहुत सारे और सी फिशेज होते हैं, सुरमई हो गया, रावस हो गया, तो वन ऑफ द फिश मैकरल, बांगड़ा मच्छी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे फिर हमारे बेसिक जो भी हमारे मसाला डब्बा के जो भी सारे स्पाइसेस है वो है। और यहाँ पे हमने एक बड़ा अनियन लिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे दो हमने मीडियम साइज टमाटो लिए हैं, उसको भी अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। और उसके अलावा हमें जो लगेगा वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और यस, उसके साथ हम हमारी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ईजी और क्विक बनने वाली है रेसिपी होने में। यस, तो मिलिए हमारे सोनू से, ये छोटा सा प्यारा सा क्यू है, बॉटल स्टॉपर है। तो अभी ये पैन मैंने यहाँ पे लिया है, और ये पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल जो हमारी करी में जितना लगने वाला है वो डाल रही हूँ। रेसिपी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ऑयल जो है पैन में वो अच्छे से वॉश हो गया है, तो इसमें हम डाल दें हमारा अनियन। एक बड़ा अनियन काफ़ी है, तो अनियन हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उसमें हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डालेंगे। मैं यूजुअली पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना प्रेफर नहीं करती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्प्लटर करता है, बहुत उड़ता है, तो मैं पहले उसमें कोरिएंडर पाउडर डालती हूँ अनियन में, और फिर उसके ऊपर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ, सो दैट वो अच्छे से बैलेंस हो जाता है और फिर ज़्यादा स्प्लटर नहीं करता। अदरवाइज़ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लोग फ्रिज में इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो ठंडा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा स्प्लटर करता है। थोड़ा सा हमारा अनियन जो है वो पिंक हो रहा है और गोल्डन होने वाला है, तो तभी मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। और जैसे ही मैंने मेरा कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, उसके बाद आई विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, दैट्स इट। जिंजर गार्लिक पेस्ट और कोरिएंडर पाउडर ऐड करने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आई डोंट नो, ये मेरे लिए वर्क करता है कि मैं जब भी जिंजर गार्लिक पेस्ट सीधा डायरेक्टली अगर अनियन में डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, बहुत ज़्यादा स्प्लटर करता है, बट मैं जैसे ही कोरिएंडर पाउडर के साथ उसको मिक्स करके डालती हूँ तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ज़्यादा उड़ता नहीं है। तो आई डोंट नो, आप बताइए मुझे कि आपके साथ क्या वर्क करता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। इसको थोड़ी देर होने देंगे हम लोग, और तब तक मैं मीनवाइल आपको बता देती हूँ कि ये जो फिश हमने मैरिनेट की थी इसमें सॉल्ट ऐड किया था मैरिनेशन के टाइम पे, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बस इतना, और लेमन हाफ लेमन लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। सो आप इसको हाफ एन आवर या वन आवर करके भी मैरिनेट कर सकते हो। मैंने सुबह ही ऑर्डर की थी फिश, तो मैंने अभी मैं इवनिंग में बना रही हूँ इसको, सो उसके अकॉर्डिंगली आप मैरिनेट करने के लिए रख सकते हो, तो वो हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कांदा लहसुन मसाला। कांदा लहसुन मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सिंस हम लोग बहुत सारे गरम मसाले जो है होल स्पाइसेस जैसे इलायची या फिर ब्लैक पेपर और क्या बोलते हैं लौंग या बाकी कोई भी गरम मसाला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ग्राइंड करके, तो इसको मैं जितने भी मेरे मसाला बॉक्स में जितने जो पाउडर स्पाइसेस है वही ऐड करके मैं ये करी बना रही हूँ। तो अभी हमने कांदा लहसुन मसाला ऐड किया है,
उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें टर्मरिक पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेशन में है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऐसी रनी ग्रेवी नहीं होने वाली है, ये थिक ग्रेवी होने वाली है जो कि हम पराठे के साथ या रोटी के साथ चपाती के साथ खा सके ऐसी। सो अभी कांदा लहसुन मसाले के बाद टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। सो लगभग 2 स्मॉल स्पून जो मेरे मसाला बॉक्स का स्पून है उसके मेजरमेंट से मैंने ऐड किया है। सो ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, अच्छा अरोमा आ रहा है और हमारे कैमरामैन का भी आवाज़ आया है थोड़ा सा ऐसे। आज पता नहीं ऐसे ही मूड हो रहा था, तो कल वैसे भी छुट्टी है रिपब्लिक डे, सो मैंने बोला बच्ची को कि तुम आज शूट करो और मैं सिर्फ बनाती हूँ। यूजुअली मैं सिर्फ खाता हूँ, इस बार मुझे चांस मिला। सो अभी हमारा जो रेड चिली पाउडर है वो अच्छा खासा थोड़ा पक गया है, तो अभी हम हमारे जो भी टमेटोज है अच्छे से चॉप किए हुए वो हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है टमेटो को और इसे कुक होने देंगे हम थोड़ी देर। तो इसको मैंने अभी ढक दिया है और अभी आई अलाउ इट टू कुक फॉर सम टाइम, अच्छे से मशी हो जाए टमेटो और उसके बाद फिर अच्छा उसका ब्लेंड हो जाए पूरे सारे स्पाइसेस के साथ, उसके बाद हम इसको देखेंगे और फिर उसके बाद हमारी जो फिश है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हो अच्छे से जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है हमारे करी का एंड अच्छे से जो टमेटोज है वो पक रहे हैं, तो इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही पकने देंगे और फिर उसके बाद इसमें हम हमारा जो फिश है वो हम कुक होने के लिए ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटर जो है वो ऐड कर रही हूँ सो दैट हमारे जो टमेटोज हैं वो और अच्छे से थोड़ा कुक होने पाए। वापस इसको हम कवर करके रख देंगे और थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। देखिए अभी हमारा जो मसाला है वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है और टमेटोज भी ऑलमोस्ट पूरे अच्छे से मशी हो गए और गल भी गए हैं, अच्छे से प्रॉपर कुक हो गए हैं। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे एट दिस पॉइंट मैं थोड़ा सा जो मेरे पास होममेड गरम मसाला है ये मैं ऐड करूँगी, ये मैंने बना के रखा है। तो ये होममेड गरम मसाला ऐड करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बाद में जब फिश पक जाएगी उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे वो थोड़ा धनिया का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से आता है और मुझे धनिया पर्सनली बहुत पसंद भी है, तो इसलिए आई प्रेफर एडिंग प्रिपरेशन और फिर उसके बाद उसको सीजन करने के लिए बोलते हैं गार्निश करने के लिए तो तब भी डालती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। सो नाउ अभी हमारी बारी जो आती है वो फिश की आती है, तो ये मेरी जो हाफ के जी फिश मैंने ली थी वो हम अच्छे से इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको भी अच्छे से कुक होने देंगे। ये ऑलरेडी सीजनड है अच्छे से मैरिनेशन में, इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस जो है वो ऑलरेडी इसको लग चुके हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही अच्छे से कुक हो जाएगी। इसको अभी हम अच्छे से ढक देंगे और कुक, एज यू कैन सी अच्छे से हमारा मसाला जो है वो फिश के अराउंड अच्छे से स्प्रेड हो गया है और अच्छे से कुक हो गई है हमारी फिश। एट दिस पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसमें जो हमारा बाकी बचा हुआ धनिया था वो हम ऐड कर देंगे। आप चाहो तो आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो,
मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे वो टमेटो ज़्यादा डाले हैं, तो मैं उसका टैंगीनेस और वो सब रखने के लिए ज़्यादा और कोई फ्लेवर्स को ओवर पावर नहीं करने देना चाहती, सो मैं ऐसे ही रखूँगी इसको और इसको अभी हम पराठे के साथ सर्व करेंगे। सो जब फाइनल हम लोग प्लेट में इसको सर्व करेंगे तब मैं आपको इसका फाइनल वर्जन दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।